प्रैक्टिकली जाने के लिए आपको जो है स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को, इतने बड़े ट्रक को आपको इसके एक एक पार्ट को समझना। जी हमने फीस भी बता दी आपको कि 6,000 पर पर्सन, हमें हम दोनों को 6, कामरन की फीस थी 6,000, मेरी थी। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान और मैं हूं सायरा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जॉन। जी वेलकम टू कैंसस सिटी। जी इसके हम डाउनटाउन में एंटर हो चुके हैं। खूबसूरत लाइट है, मारता है जी। डाउनटाउन के अंदर आप देख सकते हैं जी, नैरो लाइंस, नैरो रोड्स, और आपको ब्रिज की हाइट भी देख के क्रॉस करना चाहिए। ट्रक में जी गलती की गुंजाइश नहीं है जी। और अगर आप अगर श्योर नहीं हो किसी चीज को लेके, तो फॉरन फ्लैशर ऑन करके आप साइड में लगा हो जाएगी। गलती करें गलती से बेहतर है जी आप जो है वो रेस्टोरेंट के साइड में करके और अच्छी तरह जांच पड़ताल करके फिर। कामरन काफी बड़ी है इस सिटी है। हाँ जी, खूबसूरत भी है। Later. तो जी वेलकम बैक। हाँ जी जी, ट्रक पार्क कर लिए हमने, तो अब बात है जी कि जो बड़ा हॉट टॉपिक हम लेकर आए हैं उस पर बात कीजिए। आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट से, बहुत ज्यादा इनबॉक्स हमें मैसेजेस आ रहे थे जी, बताएं आप लोगों की वीडियोस देख देख के हमारा दिल भी करता है कि हम ट्रक का लाइसेंस लें और ट्रक को चलाना सीखें। तो जी ये वीडियो खासतौर उनके लिए है कि जो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड को जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ट्रक का लाइसेंस कैसे लेते हैं, तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो जी ट्रक का लाइसेंस लेने से पहले हम बात करेंगे कि एज, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है। जी आप 18 साल की उम्र में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, मगर उस सूरत में अगर आप 18 साल के हैं तो आप विद इन अ स्टेट चला सकते हैं, जब तक आप 21 साल के नहीं हो सकते। तो जी 3 साल आपको एक ही स्टेट में चलाना पड़ेगा। जैसे ही आप 21 साल के होंगे तो आप क्रॉस स्टेट चला सकते हैं, पूरे अमेरिका में चला सकते हैं। लाइक जैसे अगर आपने शिकागो से लाइसेंस लिया है तो आप विद इन इलिनॉय से, तो आप इलिनॉय में ही चलाएंगे। अगर आपने विस्कॉन्सिन से लिया है तो आप जस्ट विस्कॉन्सिन में ही ड्राइव कर सकते हैं, जब तक आप 21 साल के नहीं हो जाते। 21 साल के बाद आप जहाँ मर्जी जो है वो ट्रक चला सकते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जी, वो आपका लीगल स्टेटस, इधर यू हैव ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप और वैलिड वर्क परमिट, तो आप विजिट वीजा पे ट्रक का लाइसेंस नहीं ले सकते। आपके पास जरूरी है कि कोई ना कोई लीगल स्टेटस हो। थर्ड पॉइंट ये है कि इस लाइसेंस के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो है लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश आपको प्रॉपर पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए, कोई भी ले ताकि सकता आप है। टेस्ट जो है वो इजीली पास कर सकें। तो जी अब बात करते हैं प्रोसेस की। इसका फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है जी, आपको रिटन टेस्ट पास करना होता है जी कंप्यूटर पे बैठ के जी। तो उसके भी 3 पार्ट्स है जी। पहला है जनरल नॉलेज, जिसके होते हैं 50 सवाल, जिसमें से एटलीस्ट आपको 40 क्वेश्चंस पास करने होते हैं। और दूसरा होता है जी व्हीकल्स कॉम्बिनेशन, उसके होते हैं 25 सवाल, जिसमें से आपने एटलीस्ट 20 सवालों का सही जवाब देना होता है। और तीसरा होता है जी एयर ब्रेक्स, तो जी उसके भी 25 सवाल हैं, तो उसके आपको 20 सवालों का सही जवाब देना पड़ता है। आप ये 3 पार्ट्स में रिटन टेस्ट देते हैं, जब तीनों के पास हो जाते हैं उसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाता है।
और जैसा कि मैंने अभी बताया इसके थ्री पार्ट्स है, जनरल नॉलेज, एयर ब्रेक्स और व्हीकल कॉम्बिनेशन, इसकी एक बुक मिलती है जी। तो वो बुक आपको इजीली डीएमवी से जाकर भी मिल सकती है और ऑनलाइन इंटरनेट पे भी, उसका मैं लिंक नीचे लगा देता हूँ। एक पीडीएफ फाइल भी है उसकी, पूरी बुक पे आप घर बैठ के स्टडी इजीली आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, आप लैपटॉप में, आप कंप्यूटर पे इसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि नेट पे इसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के आपको मिल जाते हैं, मॉडल भी बने में मिल जाते हैं, एप्स मिल जाती हैं जिसमें आपको आंसर क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं, तो आप उससे भी आपको हेल्प आउट हो सकती है। और दो तरीके से जी आप तैयारी कर सकते हैं, एक तो आप प्राइवेटली अपने घर में बैठ के खुद तैयारी करें और लर्नर ले लें, दूसरे स्कूल्स बने हुए हैं जो आपको लर्नर लाइसेंस भी लेके देंगे और साथ में आपको ड्राइविंग स्किल्स की तैयारी भी करवाएंगे। अमेरिका में ट्रकिंग स्कूल्स हैं जी जो आपको रिटन टेस्ट से लेके रोड टेस्ट की तैयारी करवाते हैं जी। तो ये मैंने और सायरा ने तो घर में बैठ के लर्नर लिया था, पहले रिटन टेस्ट हमने खुद ही घर में बैठ के पास किया था। तो ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप घर से बैठ के कर सकते हैं तो रिटन टेस्ट आप घर में बैठ के पास करें, उसके बाद स्कूल ज्वाइन कर लें, नहीं तो स्कूल में जाके वो आपको 4 वीक्स के लिए पहले रिटन टेस्ट की तैयारी करवाएंगे और उसके बाद 4 वीक्स के लिए रोड स्किल्स की तैयारी करवाएंगे। तो जैसे हम कार के लिए जब टेस्ट देने जाते हैं तो हम खुद से तैयारी करते हैं बुक रीड करके, तो इसी तरह ट्रक का भी अगर आपके लिए इजी है अंडरस्टैंड चीजों को करना तो आप उसको घर से भी तैयारी कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि भी अपने पहले स्कूल से ही सब कुछ करना है। हाँ, तो मैंने और कामरा ने हम लोगों ने घर से ही तैयारी की थी और टेस्ट पास किया था रिटन टेस्ट। तो रोड स्किल्स के लिए हमने स्कूल ज्वाइन किया था जी। ट्रकिंग स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, आप अपने जिस भी सिटी में रहते हैं आप नियर बाय ट्रकिंग स्कूल की सर्च करके देख सकते हैं कि आपके करीबी कौन सा वाला है, तो आप जाके वहाँ से डिटेल लें, उनकी फीस वगैरह पूछें और वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि ट्रकिंग कंपनीज हैं, वो भी उनके कई कंपनीज के अपने स्कूल हैं, वो भी आपको तैयारी करवाते हैं, अगर आप उनसे तैयारी करेंगे वो आपको लाइसेंस लेके देंगे और आपको साथ ही जॉब भी ऑफर करते हैं जी। अब बात है कि स्कूल जाना क्यों जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। लर्नर पास कर लेते हैं, आपके पास आ जाता है जो बुक में आपने थ्योरी पढ़ी होती है, ठीक है, वो आपको पता होता है कि क्या है, आपको एक बेस नजर आ जाती है, लेकिन उसको इन डिटेल जानने के लिए, प्रैक्टिकली जानने के लिए आपको जो है स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को, इतने बड़े ट्रक को, आपको इसके एक एक पार्ट को समझना, एयर ब्रेक्स को, ट्रैक्टर और ट्रेलर का जो कॉम्बिनेशन है उसको समझने के लिए आपको स्कूल में, उसकी एयर ब्रेक्स और इसके सारे फंक्शंस को समझने के लिए आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। रिटन टेस्ट पास करने के बाद जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहले जो आपको चीज बताई जाती है वो ट्रक के पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। जितना ट्रक के फ्रंट से लेके एंड तक जो है वो ट्रक को पूरी डिटेल में जो है वो बताया जाता है। पूरे ट्रक को जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए बी सी जी। ए में आता है जी ट्रक की हेडलाइट से लेके ये कंपार्टमेंट तक जहाँ पे मैंने वो स्ट्रैप वगैरह रखी हुई है, और पार्ट बी में आता है जी कैटवॉक से लेके स्किड प्लेट तक, और ट्रक ट्रेलर का जो फ्रंट साइड है और वो सारी पार्ट बी में आती है जहाँ पे आप ट्रक को हुकअप करते हैं, वो पार्ट बी तक आता है। और पार्ट सी जो है वो ट्रेलर के एंड तक जाता है जिसमें टैंडम्स, उसके डोर, उसकी बैक और जो भी सारा कुछ है वो उसका डिटेल में बताया जाता है। तो जी ये इसके पार्ट्स हैं थ्री। याद है जब हम स्कूल गए थे तो वो इतना उसने बड़ा पेपर पकड़ा दिया जिसमें सारे पार्ट्स लिखे थे। मैं कामरन कहते वो अब तूने टेस्ट पास कर लिया सारा, और यार टेंशन ही कोई, बस हूं ट्रक सीधा सीधा चलाना है। क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था टेस्ट पास करना, रिटन टेस्ट पास करना, क्योंकि मुझे गाड़ी के पार्ट्स का नहीं पता था, तो ट्रक के पार्ट्स को इन डिटेल में पढ़ना, और कभी देखे पार्ट्स नहीं थे और उनको इतनी डिटेल में पढ़ना और समझना, तो मेरे लिए वो मुश्किल था। कामरन वो सारा टेस्ट पास कर लिया, ट्रक चलाना तो कुछ भी ऐसे खब्बे हाथ की गेम हो रही, तो टेंशन ना ले, लर्नर आ गया सीधा सीधा, ओ लो बड़ा इजी होना है जी, पंगड़े पा रहे सा। पहले दिन ही ट्रेनिंग करने गए, तो एक्चुअली हम लोग भी स्कूल में हमने एडमिशन लिया था, हम लोग पहले दिन ही गए, तो जी जैसे ही ऐसे ही उसने सारा जी सारा हमें समझाया, मॉर्निंग में पेपर दिया, ठीक है चलो जी स्टार्ट, मतलब की स्ट्रेट बैकिंग, मतलब कि हमने बताया आपको कि हम सुबह कितने बजे स्टार्ट करते थे, हमारी क्लास 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होती थी, और इसमें 1 घंटा हमारा रुकता था लंच ब्रेक का। लो जी वो इतने आवर्स हम लोग जी 12-13 घंटे सीधा आगे पीछे जाना, और जब शाम जब लंच टाइम में सारे बाकी स्टूडेंट्स भी इकट्ठे होते थे तो सबके मुंह बने होते, सारे सिर पड़ के बैठे होते, और उनमें लड़की आप हमारे ग्रुप में लड़की भी मैं ही थी बस, तो बाकी सारे मतलब के आदमी थे और अच्छी खासी उम्रों वाले और इतने इतने जवान, वो सबके मुंह लटके होते थे ब्रेक में,
यार पीछे नहीं होती, पीछे नहीं लगती, स्ट्रेट बैकिंग ही नहीं होती, तो मतलब कि इजी चीज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और वाकई जितनी बड़ी ये व्हीकल है, जितनी बड़ी ये गाड़ी है, इसको चलाने के लिए भी उतने स्किल्स होने चाहिए और उतना बड़ा दिल भी आपका होना चाहिए। वो ट्रक है ना, उतना दिल भी होना चाहिए चलाना। हाँ जी जी, ट्रक का जो सेकंड स्टेप है वो है जी पार्किंग। पार्किंग में आपको वो डिफरेंट मनूवर्स बताते हैं, मनूवर्स लाइक स्ट्रेट बैकअप करना है, स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट वापस आना है। और सेकेंड जो है उसमें है जी अपने लगाना है जी लाइन चेंज, ठीक है, एक लाइन से दूसरी लाइन में कैसे जाना है, ठीक है। और तीसरा जो है उसमें आपको बताते हैं 90 एंगल से कैसे, जैसे हम डार्क पे पार्क लगाते हैं तो वो 90 एंगल से ही जो है ट्रक पार्क होता है। कई दफा आपके सामने फ्रंट पे ज्यादा स्पेस नहीं है तो फिर आपको 90 करके ही लगाना पड़ेगा। हाँ जी, तो जी उसके बाद जब आप पार्किंग का भी आपका हो जाए, उसके बाद आता है जी थर्ड पार्ट आता है जी, वो आपको सिखाते हैं एयर ब्रेक्स कॉम्बिनेशन, जो ट्रेलर और ट्रैक्टर का जो है वो कॉम्बिनेशन है वो एयर ब्रेक्स का, उसको थ्री पॉइंट भी बोलते हैं और एयर ब्रेक्स भी बोलते हैं, उसकी वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद जो है वो आपको लेके जाते हैं कि रोड टेस्ट के लिए, ठीक है। जब आपको आप रोड टेस्ट पे जाते हैं फिर आपको साथ टीचर बैठा होता है, वो बताता है आपको, जो आपने बुक में पढ़ा होता है वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली जो है वो आपको करना पड़ता है। तो जी रोड पे ले जाएंगे आपको, हाँ जो राइट बोलेंगे राइट जाना, लेफ्ट बोलेंगे लेफ्ट, सिग्नल पे कैसे रुकना है, टर्न्स कैसे लेने हैं, वाइड टर्न्स कैसे लेने हैं, और सारा वो कुछ आपको नोटिस कर रहा होगा, और वो आपको साथ साथ बताते जाते हैं। तो जी जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, तो जब आपको आप अपने टीचर की नजर में आप वो आपको परफेक्ट कर देते हैं कि जी आप ओके हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं आप, तो फिर आपको वो जी टेस्ट के लिए आपकी अपॉइंटमेंट बनाते हैं, आपको टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। तो जैसे वन बाय वन हमने आपको बताया कि पार्ट्स का वो पूछते हैं, ठीक है, वो आपको एक स्टिक पकड़ा देंगे, तो आपका वो जो एग्जामिनर होता है वो साइड पे खड़ा होके वो आपके पॉइंट्स नोट करता है। आपने उसको ऐसे एक्सप्लेन करना होता है कि जैसे उसको तो कोई पता ही नहीं है ट्रक के है कि आपको ही सब कुछ पता है। हाँ जी। तो आपने उसको ए टू जी डिटेल में बताना होता है। तो आपने वो पार्ट क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट आप अगले लेवल पे जाएंगे। अगर आप पार्ट्स अगर लेवल फेल है दूसरे लेवल पे जा नहीं सकते, अगर आपने सही पार्ट्स नहीं बताया, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो आप फेल हैं। वो मनूवर के लिए लेके नहीं जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए मनूवर्स के लिए लेके नहीं जाएगा, आप वहीं पे फेल है, वो दोबारा कहेगा जी दोबारा आए ट्राई करें। पहले पार्ट्स आपने पास कर दिए तो फिर आप मनूवर पे गए, तो अगर मनूवर फेल कर दिए तो उसने आपको ट्रक में बैठ के ओवर द रोड लेके जाना ही नहीं, फिर एयर ब्रेक्स का तक तो पहुंच नहीं ना। एयर ब्रेक्स तो हाँ रोड पे जाने से पहले पूछते हैं ना। वो जैसे जैसे स्टेप फर्स्ट आप क्लियर करेंगे तो दूसरी तरफ लेके जाएगा, दूसरी तरफ से पास करेंगे तो थर्ड पे लेके जाएगा। तो ये सारा इसका जी प्रोसीजर, आप ये नहीं है कि जी अगर आपने पार्ट क्लियर नहीं किए तो आप फटाफट जी वो आपको कह देगा कि जी चलो ठीक है जी पार्किंग की तरफ आ जाओ, या आप एयर ब्रेक्स की तरफ आ जाए, या मैं रोड पे ले जाता हूँ, नहीं। वन बाय वन आपको सारे ही, और ये नहीं कि एक पास कर लिए तो अगले दिन वो कहेगा जी ठीक है आप आज आपने ये पास कर लिया तो कल आप आके बैकिंग का कर ले, एक फेल तो सारा फेल, सारा फेल। तो जी ये इसकी थोड़ी सी है कि आपको मतलब कि वो भी मेक श्योर होना चाहते हैं कि जो बच्चे ने इतनी बड़ी गाड़ी चलानी है वो इतना प्रोफेशनल हो कि वो इसको कंट्रोल और इसको हैंडल कर सके रोड पर। जी ये सारे स्टेप है जी वन बाय वन जो हमने आपको बता दिया। सच काम याद है आपको कि ट्रेनिंग के दरमियान तो मैं तो रो पड़ी थी तीसरे दिन की बात है, मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं इसको, मेरे से तो सीधा वो पीछे नहीं जाता, बैकअप नहीं होता, तो मैंने ट्रक को कैसे सीखना है। उन्होंने जी ग्रुप्स बनाए हुए थे पांच पांच के जी, तो चार ग्रुप थे तकरीबन, सारा किसी और ग्रुप में थी, उनको पता था हम हस्बैंड वाइफ है, तो हम दोनों को इकट्ठा नहीं रखा था ट्रेनिंग में, इकट्ठा नहीं रखा था, लेकिन हम रहते इकट्ठे थे। मैं सारा को दूर से देख रहा हूँ, सारा मुझे देख रही है, मेरे पास दूसरा ट्रक था, सारा के पास दूसरा ट्रक था, तो ट्रेनिंग में जी मैं रोती आई, मैंने कहा मेरे से नहीं होना, मैं नहीं कर सकती, ये है वो है। तो फिर कामना ने तब मुझे बड़ी सपोर्ट की और मेरे टीचर्स ने कि नहीं, उन्होंने काफी मोटिवेट किया, यू कैन डू इट, कहते ये वो बाकी तो सारे ऐसे सबसे बेस्ट तो आप हो। बताया लंच टाइम में हम सारे कहते वो नहीं, कोई किसी हर किसी का मुंह बना था कि आता ही नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं, लेकिन ये है कि डे बाय डे प्रोसेस है, हर किसी को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जी। तो ये है जी ट्रक का लाइसेंस लेने की स्टोरी, और ये आप लोग भी ले सकते हैं जो कि इंटर, और इसमें एक मेन बात, इसकी फीस क्या है स्कूल में, हाँ जी आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी जी, तो ये वेरी करती है जी, हर सिटी स्टेट में जहाँ पे स्कूल्स हैं
ये आपको 4,000 से लेके $8,000 तक की फीस है जी। जिस स्कूल में हम गए थे वहाँ पे $6,000 ईच पर्सन की फीस जी। हमने फीस भी बता दी आपको कि 6,000 पर पर्सन हमें हम दोनों को, 6 कामरन की फीस थी, 6,000 मेरी थी। तो ये सारी चीजें बताने का मतलब आपको ये कि ये नहीं है कि जी हर कोई अब इसी फील्ड में आ जाए। हाँ, नहीं बस ये कह रहे हैं कि सारे तुसी ट्रक ड्राइवर ही बन जाओ, अगर जो कर सकते हैं, जिनको प्यार है जी ट्रैवल करने का, शौक है जी ड्राइविंग का, लंबे लंबे सफर करने का। हमने 45-45 घंटे सफर किया, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। अगर आपको शौक नहीं ना है ड्राइविंग का, या आप इतनी नहीं है वो, आपको शौक नहीं है ट्रैवल करने का या ड्राइविंग का, तो आप कभी भी इसको एक घंटे चला लेंगे तो आप कहेंगे यार है की मुसीबत। और ये रोज रोज जब आप पास कर लेते हो, जॉब के लिए जाओगे आप, एक 6,000 अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है। तो आपने लाइसेंस लिया और बाद में आप चलाओ ही ना, आपसे हो ही ना, तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो अगर आपको शौक है ट्रैवलिंग का, आपको ड्राइविंग करने का शौक है, जैसे मुझे, मैं पर्सनली मुझे खुद बहुत ज्यादा शौक है ड्राइविंग करने का। मैं, आपने देखा ना, मैं घर भी हूँ तो मैं ही गाड़ी ड्राइव करती हूँ कार, और ट्रक भी जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं उन कामों का, अच्छा नहीं छोटा लोड है, अच्छा फिर भी मैं 2 घंटे मैच ला लेती हूँ, ठीक है। मतलब कि इस तरह के मैं वो नहीं बंदा, शौक वाला कि हाँ पसंद है ड्राइविंग करना, ज्यादा देर बैठ सारा, ट्रैवल सारा करना। कहती जी बैठ के मेरा से टाइम नहीं गुजरता, हाँ। ड्राइव करते मुझसे टाइम गुजर जाता जी, मैं बोर होना शुरू हो जाती हूँ। तो जी ये है स्टोरी। हम लोग इनकरेज करते हैं जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, और इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो अपने कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मगर ये है कि अगर आप चलाएंगे ट्रक तो उसका रिवॉर्ड भी है, अगर आप ट्रक चलाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे पैसे आप बना सकते हैं, जो कि हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको वो भी बताएंगे। तो जी अभी के लिए इतना, और उसके साथ साथ जी थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का, आपके मोहब्बत का। आप इसी तरह अपने कमेंट्स के थ्रू हमें अपनी प्यार, अपना मोहब्बत हमें देते रहे, अपनी दुआओं में याद रखें, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। आई थिंक हमें कुछ कमेंट आए थे, कोई अमेरिका से ही थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि लाइसेंस लेना, तो आप प्लीज मुझे गाइड करें। तो जी ये वीडियो जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए उम्मीद करते हैं कि हेल्पफुल होगी, ठीक है। और जो अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो स्टिल यू कैन कमेंट, हम फिर भी कोशिश करेंगे जी हम आपको जवाब और डिटेल में आपको बता सके जी। और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जितनी भी बातचीत की है, वो आपको हेल्प आउट ही करेगी, और ये सारे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड है जी। तो जी गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, पता नहीं कितना लंबा व्लॉग बन गया है। तो जी गाइज थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का, और आपने हमें कहा जी 35 मिनट्स का भी व्लॉग बनाएंगे तो हम देखेंगे। कोशिश तो करते हैं जी, क्योंकि इतना लंबा व्लॉग बनाना, क्योंकि ट्रैवल व्लॉग है, और ये नहीं कि हमारी कोशिश होती है हम आपको पूरी डिटेल में बताएं, कट 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 करके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो डिटेल आपको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, हमें बनाने में भी मजा नहीं आता। वैसे भी काम है 24 आवर्स की आपने ड्राइव दिखानी है जी, तो फिर वो आप उसको 5 या 10 या 15 मिनट में आप उसको कवर नहीं कर सकते। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर फिर भी बताएं जी कि आप कितना लंबा व्लॉग देख सकते हैं जी, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। अभी तो काफी कमेंट्स आए हैं, कोई कहते हैं 35, 30, किसी ने 30, 35, कोई 10 मिनट का भी कह रहे हैं, वो कह रहे, कोई कह रहे कि आप ज्यादा व्यूज लेने हैं तो आप 10 मिनट का बनाएं। नहीं, हमें व्यूज का भी तो चलो वो है ही है, लेकिन ये कि हम लोग चाहते हैं कि हम जो भी मैसेज आपको देते हैं, जो भी बात आपसे करते हैं, वो आपको अच्छी तरह कन्वे हो। तो उम्मीद करते हैं जी इस वीडियो से जो चाहते थे कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, उनको जो ये हमारे उनके सवालों के जी जवाब मिल चुके हैं। तो जी मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें।